हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस अकेडमी। दिस इज श्रुति जैन। फ्रेंड्स, ये हमारा नया बैच है जिसमें मैं आप लोगों को वोकैबुलरी करवाऊंगी, जिसमें जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है वो फ्रेजल वर्ब्स की है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द सेशन। इट इज पास आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस PDF में क्या देखेंगे, पास आउट का मीनिंग। पास आउट का मतलब होता है फेंट होना, मतलब बेहोश होना। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन क्या दी हुई है, इट वॉज सो हॉट इन द चर्च दैट एन एल्डरली लेडी पास आउट, कि मतलब इतनी गर्मी थी चर्च में कि मतलब एक जो बुढ़ी औरत थी वो फेंट हो गई। एक हमने फ्रेजल वर्ब पढ़ा हुआ है पास अवे। ओके, पास अवे का मतलब क्या होता है, पास अवे का मतलब होता है कि मतलब डेथ हो जाना किसी इंसान की। ठीक है, कोई इंसान जब गुजर जाता है। ठीक है, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन पास आउट एंड पास अवे। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, दैट इज पास समथिंग आउट। वो हमारा था पास आउट और ये पास समथिंग आउट। अगर किसी चीज को पास आउट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, सो इट्स मीनिंग इज गिव द सेम थिंग टू मैनी पीपल। अगर हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को सेम थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, पास समथिंग आउट, मतलब किसी को बांटना कोई चीज। ठीक है, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक द प्रोफेसर पास द टेक्स्ट बुक्स आउट बिफोर द क्लास, मतलब कि जो प्रोफेसर थे उन्होंने जो टेक्स्ट बुक्स थी वो सब बच्चों को बांटी। ओके फ्रेंड्स, सो आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल नंबर थर्ड इज पास समथिंग अप। अब ये क्या है, पास समथिंग अप, किसी चीज को ऊपर पास करना, इसका मीनिंग क्या है, डिक्लाइन होना किसी चीज में, बट यूजुअली वो गुड मैनर में होना, मतलब कोई चीज है ठीक है जो कि मतलब हमने डिक्रीज कर दी है नंबर में, किसी चीज को छोड़ दिया या फिर कुछ भी, ठीक है, बट वो हमारे लिए अच्छी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पास समथिंग अप। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक I passed up the job because I am afraid of change, कि मतलब मैंने जॉब को छोड़ दिया है, क्यों, ताकि वो, क्योंकि मतलब जॉब में कोई चेंज आने वाला था जिसके कारण उस इंसान ने उस जॉब को छोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, सो our नेक्स्ट phrasal वर्ब ऑफ our PPT इज पे somebody बैक। पे somebody बैक का मतलब होता है किसी इंसान को उसका पैसा वापिस करना, रिटर्न ओन्ड मनी, मतलब जो हमने उससे ली थी। ठीक है, पे somebody बैक का मतलब क्या होता है, किसी इंसान से जो हमने उधार लिया होता उसको वापिस चुकाना। ठीक है, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक थैंक्स फॉर बाइंग माई टिकट, कि थैंक यू कि आपने मेरे को मेरी टिकट बाय करके दी, आई पे यू बैक ऑन फ्राइडे, कि मैं आपको इसके पैसे फ्राइडे को दे दूंगा वापिस। ओके फ्रेंड्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर PPT इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पे फॉर समथिंग, कि अब पे करना है किसी चीज के लिए, मीनिंग इज बी पनिश्ड फॉर डूइंग बैड, रेप्रीमेंड करना, किसी को डांटना, अगर हम कोई गलती करेंगे तो उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा बाद में। ठीक है, दिस इज लाइक दैट ओनली। ठीक है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, दैट बुली विल पे फॉर बीइंग मीन टू माई लिटिल ब्रदर। बुली किसको बोलते हैं, बुली बोलते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा लड़ाई करता है। ठीक है, उसको पे बैक करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा किस चीज के लिए, उसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा जो उसने मेरे छोटे भाई के साथ किया। ठीक है, हम पे फॉर समथिंग का मतलब ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, एंड आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज सिक्स्थ, पिक समथिंग आउट। मतलब पिक समथिंग आउट का मतलब क्या होता है, किसी पिक आउट करना, किसी भी चीज को चूज करना, दैट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ड्रेसेस में चूज करना, शूज में चूज करना, कोर्सेज को चूज करना। ओके, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक आई पेड आउट थ्री स्वेटर्स, आई पिक्ड आउट थ्री स्वेटर्स फॉर यू टू ट्राई ऑन, कि मतलब मैंने टोटल तीन स्वेटर्स आपके लिए चूज किए ताकि आप लोग आप उसको ट्राई कर सको और आप पे कौन सा अच्छा लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज आवर सिक्स्थ फ्रेजल वर्ब। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, दैट इज फ्रेजल वर्ब नंबर 7। इसमें क्या बोल रहे हैं, पुट समथिंग डाउन। ठीक है, पुट समथिंग डाउन का मतलब होता है put what you are holding on a surface or floor, मतलब किसी चीज को put down, मतलब किसी चीज को पकड़ के रखना उस चीज को। ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना। ठीक है, इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक यू कैन पुट द ग्रोसरीज डाउन ऑन द किचन काउंटर, मतलब जो किचन की सेल्फ बनी हुई है, स्लैब बनी हुई है, उस पे आप, उस काउंटर पे आप ये सारी ग्रोसरीज रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, दैट इज फ्रेजल वर्ब नंबर 8,
पुट समबडी डाउन, वो था हमारा पुट समथिंग डाउन, अब ये हमारा क्या है पुट समबडी डाउन। अगर हम किसी को पुट डाउन करते हैं मतलब हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, हम उसको एम्बेरस करवा रहे हैं, ठीक है, पब्लिकली और एनीथिंग, ठीक है। इंसल्ट मेक समबडी फील स्टूपिड, कि वो एक बिल्कुल मूर्ख इंसान है, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक द स्टूडेंट्स पुट द सब्स्टिट्यूट टीचर डाउन, मतलब कि जो सब्स्टिट्यूट टीचर, जैसे सब्स्टिट्यूट टीचर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें कोई टीचर है ए, वो हमें सब्जेक्ट पढ़ाती है इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद उनके सब्स्टिट्यूट आए, मतलब क्योंकि टीचर ए एब्सेंट थी तो हमने टीचर बी को बुलाया, ठीक है, ताकि वो उनकी जगह पे हमें पढ़ा सके, और बच्चों ने उनका क्या किया, अपमान किया, उनकी इंसल्ट की, बिकॉज हिज पैंट्स वर टू शॉर्ट, क्योंकि उनकी पैंट्स बहुत ज्यादा छोटी थी। ओके फ्रेंड्स, सो मूविंग ऑन टू द नाइन्थ फ्रेजल वर्ब, दैट इज पुट समथिंग ऑफ। पुट समथिंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना, किसी चीज को डेफर करना, किसी चीज को लेट कर देना, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक वी आर पुटिंग ऑफ आर ट्रिप, हम अपने ट्रिप को डेफर कर रहे हैं, हम अपने ट्रिप को पोस्टपोन कर रहे हैं अंटिल जनवरी, जनवरी तक, क्यों, बिकॉज ऑफ द हरिकेन, ठीक है। सो टेंथ फ्रेजल वर्ब इज पुट समथिंग आउट। पुट समथिंग आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, जो पुट समथिंग आउट है ना, पुट आउट होता है ना, ये ज्यादातर फायर के लिए यूज होता है, मतलब फायर को कम करना, ठीक है, एक्सटिंग्विश करना, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक द नेबर्स पुट द फायर आउट बिफोर द फायरमैन अराइव, मतलब कि नेबर्स ने आग को बुझा लिया था जब तक वहां पे कौन आए थे, फायरमैन आए थे। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज फ्रेजल वर्ब नंबर 11, दैट इज पुट समथिंग टूगेदर। पुट समथिंग टूगेदर, अगर पुट टूगेदर करेंगे किसी चीज को, मतलब उसको असेंबल करेंगे, उसको दोबारा से बनाएंगे, उसको जोड़ देंगे। असेंबल का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक आई हैव टू पुट द क्रिब टूगेदर बिफोर द बेबी अराइव्स। इसका मीनिंग क्या होता है कि क्रिब का मतलब, सबसे पहले क्रिब का मतलब क्या होता है, क्रिब का मतलब होता है पालना, जो बच्चों के झूले होते हैं उसको हम क्रिब बोलते हैं, ठीक है। आई हैव टू पुट द क्रिब, मतलब क्रिब को मेरे को सेटल डाउन करना पड़ेगा जब तक बेबी आता है, उससे पहले। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट अप विद समबडी और समथिंग। पुट अप विद समबडी और समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को टॉलरेट करना, किसी चीज को सहन करना, ठीक है, पेशेंट रहना और उसको सहन करना, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक आई डोंट थिंक दैट आई कैन पुट अप विद थ्री स्मॉल चिल्ड्रन इन द कार। वो इंसान क्या बोल रहा है कि मेरे को नहीं लगता कि मैं तीन बच्चों के साथ एक ही कार में पुट अप कर सकूंगा, मतलब टॉलरेट कर पाऊंगा उन बच्चों को। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पुट समथिंग ऑन। पुट समथिंग ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज को पुट करना, किसी भी चीज को डालना अपनी बॉडी पे, ठीक है। जैसे वी पुट ऑन क्लोथ्स, एक्सेसरीज ऑन आवर बॉडी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट समथिंग ऑन। ओके, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन योर इयररिंग्स फॉर द पार्टी, कि मतलब भूल मत जाना अपनी इयररिंग्स पहनना इन द पार्टी, फॉर द पार्टी। ओके, सो अ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज रन इनटू समबडी और समथिंग। रन इनटू समबडी और समथिंग का मतलब होता है किसी इंसान को, किसी पर्सन को अनएक्सपेक्टेडली मिलना, ठीक है। कभी मतलब सडनली एकदम से कोई चीज, अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे हम सडनली अपने किसी फ्रेंड को मिल लेते हैं, हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता, तब हम लिख सकते हैं दैट आई रैन इनटू माय फ्रेंड यस्टरडे। ओके, जैसे आई रैन इनटू एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड एट द मॉल, कि मतलब कल मैं अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल मेरे को एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मेरा कोई स्कूल का बहुत पुराना दोस्त मिलेगा, और मैं उससे मॉल में मिली। ओके फ्रेंड्स, सो फिफ्थ इज रन ओवर समबडी और समथिंग। रन ओवर समबडी और समथिंग का मतलब होता है किसी इंसान के ऊपर अपना व्हीकल चढ़ा देना, ठीक है। ड्राइव अ व्हीकल ओवर अ पर्सन और थिंग, ठीक है, किसी इंसान के ऊपर चढ़ा देना व्हीकल को, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक आई एक्सीडेंटली रैन ओवर योर बाइसिकल इन द ड्राइववे। क्या बोल रहे हैं कि मैं बाय चांस, मतलब एक्सीडेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि मैं तुम्हारी बाइसिकल के ऊपर चढ़ गया,
ठीक है, मेरा व्हीकल तुम्हारी बाइसिकल के ऊपर चढ़ गया. ओके फ्रेंड्स, सो 16th वन इज रन ओवर और थ्रू समथिंग, मतलब रन के साथ ओवर लगाएंगे तब भी यही मीनिंग होएगा, और अगर रन के साथ हम थ्रू लगाएंगे तब भी यही मीनिंग होएगा. एंड इट्स मीनिंग इज रिहर्स करना किसी चीज को, प्रैक्टिस करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को करने से पहले उसकी प्रैक्टिस करना या फिर रिहर्स करना, उस चीज को दोबारा से देखना, ठीक है. तो हम उसे क्या बोलते हैं, रन ओवर या रन थ्रू. ओके, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लेट्स रन थ्रू दीज लाइन्स फॉर वन मोर टाइम बिफोर द शो, कि मतलब हमें एक बारी दोबारा से रिहर्स कर लेनी चाहिए, हमें इन वाली लाइन से दोबारा रन ओवर कर लेना चाहिए इस प्ले के पहले, ठीक है, किसी प्ले के पहले. ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वन इज रन अवे. रन अवे का मतलब होता है कि किसी जगह को अनएक्सपेक्टेडली छोड़ देना, मतलब वहां से लीव कर देना, ठीक है. रन अवे मतलब दूर भाग जाना, ठीक है. एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक द चाइल्ड रैन अवे फ्रॉम द होम एंड हैज बीन मिसिंग फॉर 3 डेज, मतलब जो चाइल्ड था वो अपने घर से भाग गया था 3 दिन पहले और वो 3 दिन से लापता है, ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज रन आउट. रन आउट का मतलब होता है किसी चीज से बिल्कुल इंडिजेंट हो जाना, मतलब कि अब कुछ बाकी नहीं रह गया, हैव नथिंग लेफ्ट, मतलब कुछ अब बाकी नहीं है, नो पेनी नथिंग, ठीक है. आई रैन आउट ऑफ शैम्पू सो आई हैड टू वॉश माई हेयर विद सोप, मतलब आई रैन आउट ऑफ शैम्पू का मतलब कि मेरे पास शैम्पू खत्म हो गया था, जिसके कारण मेरे को क्या करना पड़ा, सोप यूज करना पड़ा टू वॉश माई हेयर. ओके, सो आर 19th फ्रेजल वर्ब इज सेट समथिंग आउट. सेट समथिंग आउट, सेट आउट करना मतलब किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, राइट, किसी चीज को अरेंज करना. जैसे यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन है, आर बॉस सेट अ मीटिंग अप, मतलब हमारे बॉस ने एक मीटिंग सेट की किसके साथ, विद द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रेजिडेंट के साथ. दैट इज हाउ वी कैन यूज द वर्ड सेट समथिंग अप, ठीक है. उसके बाद है हमारा 20th फ्रेजल वर्ब, दैट इज सेट समबडी अप. पहले हमने क्या किया, सेट समथिंग अप, ठीक है, इस वाली साइड में 19th फ्रेजल वर्ब. अब हम कर रहे हैं सेट समथिंग अप. सेट समथिंग अप, समबडी अप का मतलब क्या होता है, किसी इंसान को ट्रिक करना, अपने जाल में फंसाना, ठीक है. इफ वी आर सेटिंग समबडी अप ना, देन वी आर ट्रिकिंग समवन, हम किसी को अपने जाल में फंसा रहे हैं, ठीक है. और इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है द पुलिस सेटअप द कार थीव, कहते कि जो पुलिस है उसने कार थीव को ऐसे सेटअप किया, ऐसे ट्रिक किया बाय यूजिंग अ हिडन कैमरा. बाय यूजिंग, किसकी मदद से, एक हिडन कैमरा छुपा रखा था और उसे ट्रैप कर लिया, उसे ट्रिक कर लिया, ठीक है. सो 21st फ्रेजल वर्ब इज शॉप अराउंड. शॉप अराउंड का मतलब होता है कंपेयर, जैसे हम किसी प्लेस ए पे गए, ठीक है, और किसी प्लेस बी पे गए, हमें यहां से भी पेन लेना था और हमें यहां से बी से भी पेन लेना था, ठीक है. हम यहाँ पे हमें 10 रुपए का मिल रहा है, यहाँ पे हमें 15 रुपए की मिल रही है चीज, इसे हम कंपेयर कर रहे हैं, प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, शॉप अराउंड, ठीक है, कि हमने शॉप अराउंड किया, हम कंपेयर कर रहे हैं प्राइसेस को एक दूसरी दुकान पर जाके, ठीक है. आई वॉन्ट टू शॉप अराउंड अ लिटल, कि मैं कंपेयर करना मतलब अलग अलग दुकानों पे जाके प्राइसेस को कंपेयर करना चाहता हूँ बिफोर आई डिसाइड ऑन माई बूट्स, ताकि अपने बूट्स को लेने से पहले, ठीक है फ्रेंड्स. सो नेक्स्ट वर्ड इज टेक आफ्टर somebody. टेक आफ्टर somebody का मतलब होता है, एक होता है हमारा लुक आफ्टर, ठीक है, एक होता है हमारा टेक आफ्टर. टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल अ फैमिली मेंबर. रिजेंबल का मतलब होता है लुक अलाइक, मतलब किसी के साथ बिल्कुल शक्ल मिलना, ठीक है. जैसे अब यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन है, आई टेक आफ्टर माई मदर, कि मैं बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह दिखता हूँ. वी आर बोथ इम्पेशेंट, क्यों, क्योंकि हम दोनों इम्पेशेंट है, हम दोनों में पेशेंस नहीं है, ठीक है. और एक होता है हमारा लुक आफ्टर. लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी इंसान का ध्यान रखना, जैसे वी लुक आफ्टर आर पेरेंट्स, ठीक है, हम उनका ध्यान रखते हैं, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेक आफ्टर एंड लुक आफ्टर. ओके, सो आर फ्रेजल नंबर, फ्रेजल वर्ब नंबर 23rd इज टेक समथिंग अपार्ट. किसी चीज को अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है किसी चीज को अलग कर देना, ठीक है. तो हम इस चीज से याद रख सकते हैं टेक समथिंग अपार्ट को, पर्पसली किसी चीज को ब्रेक करना इनटू पीसेस. पर्पसली का मतलब ऑन पर्पस, किसी जरूरत के कारण हमने उस चीज को ब्रेक किया, ठीक है, टेक अपार्ट किया, ठीक है. जैसे इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है, ही टुक
द कार ब्रेक्स अपार्ट, उसने पर्पसली अपने कार ब्रेक्स को अपार्ट किया, मतलब अलग किया, एंड फाउंड द प्रॉब्लम. उसने ये चीज क्यों की थी? क्योंकि उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण उसे अपार्ट करना पड़ा, मतलब उसे अलग अलग करने पड़े पीसेस. ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं पर्पसली. हमारा पर्पस क्या था यहाँ पे? प्रॉब्लम. ठीक है, जिसके कारण हमें अपार्ट करना पड़ा, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब फ्रेजल वर्ब यूज करी टेक अपार्ट. ओके, सो नेक्स्ट वन इज टेक ऑफ. टेक ऑफ का मतलब होता है कि जैसे हम अपनी फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं, ठीक है, तो हम उड़ती हैं, स्टार्ट टू फ्लाई, उसे हम टेक ऑफ कहते हैं. माय प्लेन टेक्स ऑफ इन 5 मिनट्स, कि मतलब मेरा जो प्लेन है वो अगले 5 मिनट में टेक ऑफ करेगा. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज 25th, टेक समथिंग आउट. टेक समथिंग आउट का मतलब होता है रिमूव फ्रॉम अ प्लेस और थिंग, किसी चीज को कहीं किसी जगह से बाहर निकाल देना. ठीक है, टेक फ्रॉम अ प्लेस, रिमूव फ्रॉम अ प्लेस और थिंग, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक कैन यू टेक द गार्बेज आउट. क्या कह रहे हैं कि क्या तुम यहां से रिमूव कर सकते हो गार्बेज को टू द स्ट्रीट, मतलब इस स्ट्रीट में से क्या तुम गार्बेज उठा सकते हो, मतलब यहां से रिमूव कर सकते हो गार्बेज को. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक सम थिंक समथिंग ओवर. थिंक समथिंग ओवर का मतलब होता है किसी चीज को कंसिडरेशन में लेके आना, मतलब अपने अनुमान में लेके आना कि हाँ ये चीज भी हो सकती है. ठीक है, किसी चीज के बारे में सोचना कि हाँ ये चीज भी हो सकती है. जैसे इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है आई हैव टू थिंक दिस जॉब ऑफर, कि मतलब इस चीज को मैं अपने अनुमान में लूंगा कि मेरे पास ये वाली जॉब ऑफर है बिफोर आई मेक माई फाइनल डिसीजन. उससे जिस किससे पहले, जब तक मैं अपना फाइनल डिसीजन नहीं ले लेता. ठीक है फ्रेंड्स, सो आवर 27th फ्रेजल वर्ब इज थ्रो समथिंग अवे. थ्रो अवे का मतलब डिस्पोज ऑफ, मतलब किसी चीज को खत्म करना. ठीक है, किसी चीज को बाहर फेंक देना. ठीक है, वी थ्रू आवर ओल्ड फर्नीचर अवे. थ्रू अवे, थ्रो का मतलब थर्ड वर्ब होती है थ्रू. ठीक है, वी थ्रू अवे द ओल्ड फर्नीचर, वी थ्रू आवर ओल्ड फर्नीचर अवे व्हेन वी वॉन द लॉटरी. जब हमने लॉटरी जीती तब हमने क्या किया, हमारी ओल्ड फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर को घर से बाहर फेंक दिया. ठीक है, उसके बाद है हमारा 28th, दैट इज टर्न समथिंग डाउन. टर्न समथिंग डाउन का मतलब, इसके दो मतलब होते हैं. एक तो होता है डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ, किसकी, हीट की, लाइट की, या फिर किसी भी चीज की, मतलब किसी भी चीज की जैसे हीट की, लाइट की वॉल्यूम कम करना. ठीक है, और एक होता है टर्न डाउन का मतलब रिफ्यूज करना, किसी को मना करना किसी चीज के लिए. और इनके मैंने दोनों के अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए हैं. अगर तो टर्न समथिंग डाउन का मतलब है किसी हीट की या लाइट की वॉल्यूम या स्ट्रेंथ को कम करना, तब तो हम कैसे कैसे लिखेंगे, प्लीज टर्न द टीवी डाउन व्हाइल द गेस्ट्स आर हियर. टीवी को बंद कर देना, उसकी वॉल्यूम को कम कर देना, या फिर उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी वॉल्यूम को कम कर देना, कब, जब गेस्ट घर में होंगे. ठीक है, और हमारा जो सेकंड ऑप्शन था, दैट इज अगर इसका मतलब रिफ्यूज है तो हम क्या बोलेंगे, आई टर्न द जॉब डाउन, मतलब जो जॉब थी मैंने उसे मना कर दिया. क्यों? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मूव, क्योंकि मैं मूव नहीं करना चाहता कहीं और जगह पे. ठीक है, सो अ 29th फ्रेजल वर्ब इज टर्न समथिंग अप. टर्न समथिंग अप का मतलब क्या होता है, इंक्रीज द वॉल्यूम. और जैसे हमने वहां पे पढ़ा था टर्न समथिंग डाउन, मतलब किसी चीज की वॉल्यूम कम करना, स्ट्रेंथ कम करना, और यहाँ पे इंक्रीज करना, क्योंकि यहाँ पे अप लगा हुआ है. ठीक है, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक कैन यू टर्न द म्यूजिक अप, क्या तुम म्यूजिक को बढ़ा सकते हो, उसकी वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो. दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि ये मेरा मनपसंद गाना है. ठीक है, सो आवर 30th फ्रेजल वर्ब इज टर्न अप. टर्न अप का मतलब क्या होता है, वो था टर्न समथिंग अप, ये टर्न अप. ठीक है, टर्न अप का मतलब होता है कोई इंसान सडनली हमारे कंसिडरेशन में आ गया, हमें सडनली हमें देखने को मिला. जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक आर कैट टर्न अप, हमारी कैट ने एकदम से हमें बिल्ली दिखी. आफ्टर वी पुट पोस्टर्स ऑल अप ऑल ओवर द नेबरहुड, जब हमने सारे नेबरहुड में अपने पोस्टर्स लगा लिए तब हमें एकदम से बिल्ली दिखी. ओके फ्रेंड्स, सो अ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज वियर ऑफ. वियर ऑफ का मतलब होता है फेड अवे. फेड अवे मतलब धुंधला जाना कोई चीज. ठीक है, फेड हो जानी, फेड का मतलब हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते रहते हैं. ठीक है, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक मोस्ट ऑफ माई मेकअप वॉर ऑफ, मतलब मेरा मेकअप बहुत ज्यादा फेड हो गया बिफोर आई गॉट टू द पार्टी. ठीक है, पार्टी पे जाने से पहले मेरा मेकअप बहुत ज्यादा फेड अवे हो गया.
फेड अवे हो गया और वेयर ऑफ हो गया. ओके फ्रेंड्स, सो द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ आर पीपीटी इज वर्कआउट करना. एक तो हम जिम में जाके वर्कआउट करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, उसको हम कहते हैं. और उसका सेंटेंस फॉर्मेशन हम कैसे लिख सकते हैं, आई वर्क आउट एट द जिम 3 times a week. मतलब मैं हफ्ते में 3 बार जिम में जाके वर्कआउट करता हूँ या करती हूँ, ठीक है. एंड एक इसका मीनिंग होता है बी सक्सेसफुल. वर्कआउट करना मतलब कि सक्सेसफुल होना, कोई चीज हमने मेहनत करके हासिल की और हम सक्सेसफुल हो गए उसमें, ठीक है. एंड इट्स जो सेकेंड मीनिंग है उसकी फॉर्मेशन क्या है, आर प्लान वर्कड आउट फाइन. मतलब हमारा जो प्लान था उसने वर्कआउट किया अच्छे से और वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, दैट इज वर्क समथिंग आउट. वर्क समथिंग आउट, यहाँ पे वर्कआउट नहीं है, वर्क समथिंग आउट है. मतलब मेक अ कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन करना, दैट इज वर्क समथिंग आउट. वी हैव टू वर्क समथिंग वर्क आउट द टोटल कॉस्ट बिफोर वी बाय द हाउस. मतलब हमें सारी चीजें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेंगी घर को शिफ्ट करने से पहले, ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गियरिंग अप. गियरिंग अप का मतलब होता है गियर डालते हैं हम अपने मोटर इंजन्स में, ठीक है, गियर्स पे चलती है हमारी गाड़ियां या फिर हमारे बाइक्स या फिर समथिंग, ठीक है. तो गियर अप करते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन तेज हो जाती है, उसकी रफ्तार तेज हो जाती है, ठीक है. दैट इज गियरिंग अप. मतलब प्रिपेयर करना खुद को, टू प्रिपेयर समथिंग फॉर एक्टिविटी और इवेंट, ठीक है. किसी भी चीज को करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना, दैट इज वॉट वी कॉल गियरिंग अप, ठीक है. एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक पार्टिसिपेटिंग इन अ रनिंग ट्रेनिंग. कि पार्टिसिपेट करना किसी रनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में इज अ ग्रेट वे. अगर कोई ट्रेनिंग पीरियड पहले चल रही है, अगर कोई ट्रेनिंग पहले ही चल रही है और अगर हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम अपने आप को प्रिपेयर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है. उस वाली रेस में या फिर किसी भी चीज में हम खुद को पहले अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है, खुद को पहले से अच्छे से शेप अप कर पाएंगे, ठीक है. सो अ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज विन डाउन. विन डाउन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज की पावर. एंड अ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज फ्रेजल वर्ब नंबर 35, दैट इज विन डाउन. विन डाउन का मतलब होता है कोई चीज, जैसे हमारी बॉडी है उसकी पावर धीरे धीरे कम होती है, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारी बॉडी की मतलब शक्ति धीरे धीरे कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विन डाउन होना, ठीक है. योर बॉडी नीड्स टाइम टू विन डाउन. मतलब तुम्हारी बॉडी को थोड़ा टाइम लगेगा कि तुम्हारी पावर थोड़ी सी कम हो जाए, जिसके कारण तुम्हें एक अच्छी नींद रात को आए, ठीक है. सो आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पार्ट वेज. पार्ट वेज का मतलब होता है किसी रिलेशनशिप को खत्म करना, ठीक है, किसी भी तरह के संबंध को खत्म करना, उसे हम क्या, हम अपने पार्ट वेज कर लेते हैं किसी इंसान के साथ, ठीक है, उस हम इधर जाएंगे वो इधर जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्ट वेज. एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक द बैंड मेंबर्स पार्टेड वेज आफ्टर रिलीजिंग देयर थर्ड एल्बम. कि मतलब थर्ड एल्बम के रिलीज होने के बाद जो हमारे बैंड मेंबर्स थे, उन्होंने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए, अपना रिलेशनशिप खत्म कर लिया, ठीक है. पैकिंग का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग. किसी चीज को पैकिंग करना मतलब कि हमने किसी चीज को खत्म कर दिया, उसको एंड कर दिया, ठीक है. जैसे इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है आई एम ट्राइंग टू पैक इन स्मोकिंग. कि मतलब मैं सोच रहा हूं कि मैं स्मोकिंग को इनटेक करना बंद कर दूं, ठीक है. पैक ऑफ का मतलब होता है सेंड समवन अवे. मतलब किसी इंसान को दूर भेजना खुद से, ठीक है, दैट इज पैक ऑफ, ठीक है. जैसे इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है हिज बॉस पैक्ड हिम ऑफ टू अ रीजनल ऑफिस. मतलब कि उसके बॉस ने क्या किया कि खुद को रीजनल ऑफिस से दूर कर लिया, ठीक है, उस इंसान को रीजनल ऑफिस से दूर कर दिया, ठीक है. सो 39th वन इज पैक आउट. पैक आउट का मतलब होता है कि किसी वेन्यू को डिसाइड करना, ठीक है. वेन्यू का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारी पार्टीज होती है, गेट टूगेदर्स होते हैं, ठीक है. द स्टेडियम वॉज पैक्ड आउट, मतलब कि स्टेडियम का वेन्यू उन्होंने फाइनल कर लिया था, ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज पिग आउट. पिग आउट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाना, ठीक है, ग्लटन होना, ठीक है, जो बहुत ज्यादा खाते हैं, ठीक है. इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज द फूड वॉज ग्रेट सो आई रियली पिग्ड आउट. कि मतलब खाना इतना अच्छा था जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा खा गया, आई पिग्ड आउट, ओके. एंड आवर 41st फ्रेजल वर्ब इज पाइलअप. पाइलअप का मतलब होता है चीजों को इकट्ठे करना, ठीक है. पाइल्स होती है हमारी फाइल्स की, ठीक है. तो जैसे अक्यूमुलेट करना, किसी चीज को होर्ड करना, जैसे हम मनी को होर्ड करते हैं, हम अपनी गुड्स को होर्डिंग्स करते हैं,
ठीक है, मतलब इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस के पहले लोगों ने क्या किया, लॉकडाउन से जस्ट पहले, कि अपने गुड्स को होर्ड करके रख लिया। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाइल अप करना। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है, वर्क जस्ट कीप्स ऑन पाइलिंग अप, कि मेरा काम तो इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, एंड आई रियली कांट मैनेज टू गेट इट ऑल डन, और मैं मैनेज नहीं कर पा रहा अब सारे काम को खत्म करना। ठीक है, सो 42nd फ्रेजल वर्ब इज पिन डाउन। पिन डाउन का मतलब होता है डिस्कवर एग्जैक्ट डिटेल्स, मतलब किसी भी चीज की हमें एग्जैक्ट डिटेल्स पता करना, डिस्कवर करना। ठीक है, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज द गवर्नमेंट कांट पिन डाउन वेयर द लीक केम फ्रॉम। लीक का मतलब कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज लीक हो सकती है, जैसे अब रिजर्वायर है उसमें से लीक हो रहा है अगर कोई, ठीक है, रिजर्वायर क्या होता है, जिसमें हम अपना पानी इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसमें कोई लीक है, तो अगर जो उसके वहां पे काम करने वाले थे उनको पता नहीं चला कि वो लीक कहाँ पे था, ठीक है, मतलब उनको डिटेल्स वो अपनी दे कुडंट पिन डाउन द डिटेल्स दैट हाउ द लीक मतलब केम फ्रॉम वेयर द लीक केम। ठीक है, ये चीज, ठीक है, पिन डाउन का मतलब होता है कि डिस्कवर करना डिटेल्स को, मतलब डिटेल्स का पता लगाना कि ये चीज कैसे हुई है। ठीक है, 43rd फ्रेजल वर्ब इज पिन ऑन। पिन ऑन का मतलब क्या होता है, अटैच द ब्लेम टू समवन, मतलब जैसे कोई बंदा है एक, ठीक है, उस पर ब्लेम डाल दिया, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, पिन ऑन कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज द पुलिस ट्राइड टू पिन द क्राइम ऑन हिम, कि मतलब पुलिस ने पिन किया, मतलब उसे दोषी ठहराया कि यही इंसान है जिसने क्राइम किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पिन अप। पिन अप का मतलब होता है किसी, पिन अप हम अब सेफ्टी पिन है उनको पिन अप करते हैं, पिन अप करते हैं किसी भी चीज को, तो उसे क्या करते हैं, हम अटैच करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन आई पिन द नोटिस ऑन द बोर्ड, मतलब मैंने पिन अप कर दिया किसको, नोटिस को, ऑन द बोर्ड, किसी भी बोर्ड पे। ठीक है, 45th वन इज पाइन अवे। पाइन अवे का मतलब होता है सफर करना फिजिकली बिकॉज ऑफ ग्रीफ, स्ट्रेस और वरी, जैसे हमें कोई भी दुख है, ठीक है, उसके कारण हमें फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज पाइन अवे। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक ही हैज बीन पाइनिंग अवे सिंस हिज वाइफ डाइड, मतलब वो तब से इन चीजों से, इन मतलब रेपरकशन से सफर कर रहा है जब से उसकी वाइफ की डेथ हुई है, एंड इज अ शेडो ऑफ हिज फॉर्मर सेल्फ, और ऐसे दिखा रहा है जैसे वो पहले का कोई इंसान हो, जैसे उसकी शादी, जब शादी होने से पहले का कोई इंसान। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज पाइप डाउन। पाइप डाउन का मतलब क्या होता है कि किसी से बात करना बंद कर देना, बिल्कुल क्वाइट रहना, चुप रहना। ठीक है, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक द लेक्चरर आस्क्ड द स्टूडेंट टू पाइप डाउन एंड पे अटेंशन, मतलब जो लेक्चरर थी, जो लेक्चर ले रही थी लेडी, उसने बोला कि तुम सब चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, ठीक है, और पे करो अटेंशन, अटेंशन दो किस चीज को, मेरे लेक्चर को। ठीक है, सो आवर 47th फ्रेजल वर्ब इज पाइप अप। पाइप अप का मतलब, पाइप डाउन का मतलब बोलना बंद कर देना, और पाइप अप का मतलब अपनी वॉइस को रेज करना, मतलब कि अपनी आवाज उठाना किसी गलत चीज के उसमें। ठीक है, जैसे इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है, एट फर्स्ट नो वन आंसर, पहले किसी ने आंसर नहीं दिया, देन फाइनली सम वन पाइप अप, फिर कोई किसी ने अपनी वॉइस रेज करी इस चीज पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ऑफ द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ऑफ द पीपीटी इज प्ले अराउंड। प्ले अराउंड का मतलब होता है बी सिली, मतलब बिल्कुल ही सिली सी हरकतें करना, फुलिश वाली हरकतें करना। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज द चिल्ड्रन वर प्लेइंग अराउंड एंड बीइंग अनोइंग, कि मतलब जो चिल्ड्रन थे वो बड़ी सिली सी हरकतें कर रहे थे, बड़ी इमेच्योर सी हरकतें कर रहे थे, और हमें अनॉय कर रहे थे, हमें गुस्सा दिला रहे थे। ठीक है, प्ले अप का मतलब होता है किसी इंसान ने, अगर उसने बिहेव किया गलत तरीके में, ठीक है, दैट इज प्ले अप। ठीक है, जैसे द चिल्ड्रन प्लेड अप ऑल इवनिंग, जो चिल्ड्रन थे वो सारी मतलब सारी शाम बिहेव कर रहे थे बहुत ही बुरे तरीके में, एंड ड्रोव द बेबी सीटर मैड, और जो बेबी सीटर था, मतलब जो झूला था बेबी का, मतलब जो बेबी उसमें बैठा, ठीक है, बैठा था, उसे बिल्कुल ही पागल कर दिया। ठीक है, सो आवर 50th फ्रेजल वर्ब ऑफ द पीपीटी इज प्लग इन। प्लग इन का मतलब आप सबको पता होगा, हम जैसे मशीन के स्विच को प्लग इन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लग इन, मतलब किसी भी चीज को, किसी भी मशीन को, इलेक्ट्रिसिटी वाले डिवाइस को, उसे कनेक्ट करना बिजली से।
ठीक है, ताकि उसे पावर मिले. ठीक है, ही प्लग्ड द टीवी इन, उसने प्लग इन किया टीवी को एंड टर्न्ड इट ऑन फुल ब्लास्ट, और उसे बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम में चालू करना स्टार्ट कर दिया. ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स दिस वाज द फर्स्ट पीडीएफ, दिस वाज द फर्स्ट पीपीटी ऑफ आर पेड कोर्स. आई होप आप लोगों को सबको ये वर्ड्स पसंद आए होंगे. एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स लेने हैं तो आप लोग मेरे को बता सकते हो. ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.